हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक गेट के ऊपर है, गेट मेकिंग के ऊपर समझिए या फिर गेट का इफेक्ट के ऊपर। तो ये जो गेट है अभी हम इसको बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं एलईडी यहाँ पे लग रहा है। एलईडी का क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ तक लगा हुआ। अभी ये एलईडी का क्वालिटी देख सकते हैं, आईसी देखिए, साइज़ भी आईसी का बड़ा है, प्लस कैपेसिटर रेजिस्टेंस दोनों है। मैं किसी को भी बोर्ड गेट देता हूँ, चाहे वो जान पहचान में से हो या अनजान में से हो या घर पे बैठ के ऑर्डर किए हो। ये ऑर्डर है मधुबनी का, ये बिहार मधुबनी का ऑर्डर है, उसमें काम हो रहा है। लेकिन पिक्सल मैं सबको सेम ही देता हूँ, यही पिक्सल सबको देता हूँ। इसमें दो टाइप मेरे पास आता है, एक आता है ये छोटी एलईडी में, एक बड़ी एलईडी में। और कभी कभी इसका जो है लिक्विड ब्लू भी आ जाता है, ठीक है। तो कभी ब्लू आता है, कभी क्लियर में आता है। अभी ये क्लियर में है, ज़्यादातर क्लियर ही आता है, लेकिन कभी कभी एक आध कार्टून डाल देता है ब्लू में भी, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांडिंग सेम है, एक्सपीएस का ही माल है, ठीक है। और क्वालिटी बहुत अच्छा है, ना तो ब्लिंकिंग है ना कोई प्रॉब्लम है, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। तो यही पिक्सल मैं सबको डाल के देता हूँ, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट क्वालिटी है। सनराइज़ का सीट है, आप फ्रेम देख सकते हैं, पूरा सनराइज़ का सीट है। और फ्रेम देख सकते हैं, मेटल का फ्रेम है। टोटल अभी मेटल का फ्रेम में काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लकड़ी में प्रॉब्लम आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो पूरा मेटल फ्रेम में स्टार्ट हो गया है काम अभी। तो कोई ऑर्डर देना चाहते हैं तो ऑर्डर दे सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, ये सब आपके लिए किए हैं, ठीक है। जितना कुछ करते हैं आप लोगों के लिए, और अभी मैं भी जो कुछ भी हूँ आप लोगों के वजह से हूँ, आप लोगों के सपोर्ट से हूँ। ये देख सकते हैं, ये हमारा लास्ट बोर्ड बचा है, तो मैंने सोचा चलो इसको वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बाकी जो चार बोर्ड है हमारा ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, पांच बोर्ड का गेट बन रहा है अभी, 1 2 3 4 सब में पिक्सल लग चुका है। वायरिंग किसी में नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे से ऐसे, ठीक है, वायरिंग कहीं नहीं हुआ है। वायरिंग का वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो में बने रहें अंत तक, बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें वीडियो को, ठीक है। पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 3D में बन रहा है, ठीक है, ये जो गेट बनने वाला है ये 3D है, 12x24 5 पार्ट में पिक्सल 3D में है, ठीक है। पिक्सल का क्वालिटी मैंने आपको दिखा दिया, ये है हमारा पिक्सल का क्वालिटी, देख सकते हैं आप कितना क्लियर है। आईसी वगैरह सब कुछ फुल ट्रांसपेरेंट, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फेक नहीं, ठीक है, पूरा क्लियर क्वालिटी। यही इसी क्वालिटी में मैं सबको देता हूँ बना के, ठीक है। आपका कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो अलग बात है, लेकिन ये जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा स्किप करते हैं, और इसको जो बाकी है एलईडी वो एलईडी कंप्लीट करके फिर आते हैं वायरिंग सेक्शन पर, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें, और जो भी बंदे नए आए हैं या अब तक चैनल में चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने इसको डालते हुए आया है यहाँ तक, यहाँ के बाद अभी पूरा आगे भी डालना है, ठीक है। देखिए सर, हमने आपके लिए ये कम्प्लीट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं कम्प्लीट है, ठीक है। इसके ऊपर हमने वायरिंग भी डाल दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें हमने ग्रीन वाला वायर जो है वो इसमें जोड़ा है, ये डाटा का वायर है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव का वायर हमारा है, यहाँ पे हमने नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन कर दिया है। इस ऐसे ही हमने यहाँ पर हर जगह पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी किया, वहाँ भी किया, आगे भी किया हुआ है, हर जगह पर ये वायर लगा लिया और कनेक्शन कर दिया। इसका जो मेन इनपुट है वो यहाँ से है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमने एक सर्किट और एक कंट्रोलर, छोटा सा एक कंट्रोलर और एक पावर सप्लाई हमने 5 एम्पीयर का लगाया, सॉरी 10 एम्पीयर का लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आप 12x24 का देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं आप ये यहाँ पे है, और ये लास्ट बोर्ड है हमारा, 5वां नंबर का बोर्ड, जिसको हमने 5 नंबर रखा हुआ है। T1000 का प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो T1000 में हमने 5 एक ही पोर्ट पर 5 नंबर एक ही पोर्ट होता है उस पर, तो ये 5 नंबर बनाया हुआ है। तो ये 5 नंबर है जिसके वजह से इसका आउट नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको आउट मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे आपको आउट मिलेगा, यहाँ से भी ग्रीन आपको आउट हुआ है, ठीक है। हर बोर्ड में आपको ग्रीन आउट हुआ है, इन और आउट दोनों मिलेगा, यानी डाटा जो है हर बोर्ड से इन हो रहा है और आउट भी हो रहा है। लेकिन ये लास्ट वाला बोर्ड ऐसा होता है जहाँ पर आपको डाटा आउट नहीं करना है, यहाँ से ये क्लोज हो जाता है। तो हमने वहाँ तक पावर सप्लाई दे दिया है, आप चाहें तो यहाँ तक भी दे सकते हैं, मैंने वहाँ तक दे दिया है, इनफ है, उतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारा वायरिंग भी हो गया पूरा, हमने इसका वीडियो आपको दिखाया स्टार्टिंग से, और आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए मैं आपको इसका एक सर्किट का प्रोग्राम दिखा देता हूँ, क्योंकि 3D प्रोग्राम अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका 3D का जो इफेक्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो
और इस वीडियो में मैं आपको सिंपल एक सर्किट है 1224 का हमारे पास में ये वाला, ठीक है ठीक है। तो इस सर्किट से मैं आपको दिखाता हूँ चला के इसको। पहले वीडियो में बने रहिए, जो नए आए हैं या जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप मेरे वीडियो लाइक करके जाएं। चलिए अब हम इसका कनेक्शन वगैरह देते हैं, इसको इधर मोड़ते हैं और इधर दिखाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नंबर भी 5 डाल के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सबके ऊपर मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ ताकि जो लोग हैं जो जिनके लिए जा रहा है उनको प्रॉब्लम ना हो। हमने पावर सप्लाई दे दिया यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। देखिए रनिंग, देखिए इसमें 1224 का जो रनिंग है वो परफेक्ट, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ब्लिंकिंग नहीं, कोई कलर इफेक्ट चेंज नहीं। कहीं कहीं क्या बहुत सारा पिक्चर में क्या होता है ना कि किसी में ग्रीन नहीं है, किसी में रेड नहीं है तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पे इस पिक्चर में कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं इफेक्ट आप, ठीक है। वहाँ पर सामने में लाइट जल रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर ब्राइटनेस आ रहा है आपका, ठीक है। लाइट को अगर ऑफ करते हैं तो देखते हैं लाइट, नहीं 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 हो पाएगा, लाइट सेम कनेक्शन में लगा हुआ है दोनों। तो देखिए सब इफेक्ट चल रहा है, यहाँ बहुत सारा इफेक्ट है। मैं हर इफेक्ट को मैं आपको पूरा वीडियो इसका नहीं बना सकता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और वीडियो मुझे शॉर्ट में करना है। ये आप देख सकते हैं बाकी सब भी यहाँ पर वायरिंग हो चुका है कम्प्लीट। ये सब मैंने यहाँ से इधर मोड़ के इसलिए लाया है क्योंकि जब गेट लगेगा तो गेट का पोजिशन के हिसाब से मैं वहाँ पर उसको वायर को जो है वो फिक्स किया हूँ ताकि जो कस्टमर हैं उनको आइडिया नहीं है उतना लगाने का 3D को। तो जब ये वो बोर्ड रखेंगे, बोर्ड रखने के बाद ये जो कनेक्शन है ना वो परफेक्ट जगह पे पड़ेगा, जहाँ पे इसके सामने वाला बोर्ड में कनेक्शन सेम जगह पे मिलेगा। अगर मैं इसका आउटपुट यहाँ पे निकाल दूँ नीचे पे तो उसको इतना लंबा वायर जोड़ के बनाना पड़ेगा, तो वो सब मैं नहीं किया हूँ। यहाँ पर ऐसा कनेक्शन बना के दे रहा हूँ कि सामने जैसे ही इसके ऊपर बोर्ड आएगा वो इसका कनेक्शन एकदम सेम टू सेम मैच करेगा, तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इधर भी सबके साथ वही प्रॉब्लम, देखिए जितना भी मैंने बनाया सब वैसे ही बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको परफेक्ट जगह पे आपको मिल जाएगा ये कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन के लिए आपको लेफ्ट राइट या इधर उधर लंबा करना है, वायर जोड़ना है, वैसा कुछ नहीं, सबका वायर एकदम सेम टू सेम जगह पे मैच करेगा, बस आप नंबर वाइज लगाना है आपको। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही कुछ कुछ वीडियो मिलते रहेगा, आपको ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेगा, कुछ सीखने को मिलते रहेगा, कुछ नया देखने को मिलते रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें और हम भी आपको ऐसे ही कुछ नए चीज़ें दिखाते रहें आपको। चलिए ठीक है, गुड बाय।